नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। आईपीएल 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ जबरदस्त फॉर्म में है। इस सीजन में उनका बल्ला खूब रन उगल रहा है। शुक्रवार को खेले गए इस सीजन के 47वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार शतकीय पारी खेली, जिसके लिए उनको मैन ऑफ द मैच चुना गया। हालांकि उनकी टीम सीएसके को हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान के खिलाफ ऋतुराज ने 60 गेंदों पर 9 चौके और 5 छक्कों की मदद से नाबाद 101 रन बनाए। ऋतुराज के आईपीएल में पहला शतक है। ऋतुराज गायकवाड़ को अपना शतक पूरा करने के लिए सीएसके की पारी की आखिरी गेंद पर 5 रनों की दरकार थी, लेकिन गायकवाड़ ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया और गेंद को हवाई यात्रा पर भेज अपना शतक पूरा कर लिया। उन्होंने कहा कि गेंद बल्ले से लगते ही उन्हें अंदाजा हो गया था कि ये 6 रन के लिए जा रही है। पारी के बीच में हुए ब्रेक के दौरान गायकवाड़ ने स्टार स्पोर्ट्स से बात करते हुए कहा कि मैं गेंद को अच्छी तरह टाइम कर रहा था, लेग साइड पर बाउंड्री छोटी है, तो मुझे पता था कि ये 6 रन के लिए जा रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि वो शतक को लेकर ज़्यादा फिक्रमंद नहीं थे। बता दें कि जब आखिरी ओवर की शुरुआत हुई तो गायकवाड़ 95 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। वो दूसरे छोर पर थे जबकि स्ट्राइक रविंद्र जडेजा के पास थी। जडेजा ने पहली 3 गेंदों पर ही 14 रन ठोक दिए। मुस्तफिजुर रहमान के इस ओवर की एक गेंद इस बीच बाइड भी रही। ओवर की चौथी गेंद पर जडेजा ने सिंगल ले लिया। इसके बाद गायकवाड़ के पास अपना शतक पूरा करने के लिए सिर्फ 2 गेंदें थीं। इसमें 5वीं गेंद डॉट रही, लेकिन आखिरी गेंद को उन्होंने बाउंड्री के पार भेज दिया। बता दें कि सीएसके के सलामी बल्लेबाज ने अपने प्रदर्शन से काफ़ी प्रभावित किया है। ऋतुराज आईपीएल के इस सीजन में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। इस सीजन में रनों के मामले में उन्होंने शिखर धवन को पीछे छोड़ दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।